यह नगर निगम का एरिया है गुमती नगर एक्सटेंशन में, जहां आज की डेट में घर की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये आपका ड्राइंग रूम एरिया है जो कि 9.5x15 का एरिया है। डोर की हाइट, सीलिंग की हाइट आप देख सकते हो, 10 फीट की हाइट है इसकी मकान की, 3 फीट की जीने की चौड़ाई है, जिसमें स्टेनलेस स्टील वगैरह का रेलिंग का पूरा काम है। जिंदल कंपनी की रेलिंग वगैरह पूरी लगी हुई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी। तो आप लोगों की डिमांड रहती है कि गोमती नगर एक्सटेंशन में घर दिखाइए, तो आज मैं आपको गोमती नगर एक्सटेंशन में, आप ये पूरी कॉलोनी देख रहे हैं, ये पूरी कॉलोनी है, काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, यहाँ पे आपको घर दिखाने वाली हूँ। 3 BHK ड्यूप्लेक्स, बहुत ही सुंदर घर बने हुए हैं, वो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो ये देख सकते हो। ये 2 घर थे इनके, जिसमें से एक सोल्ड आउट है, एक बचा हुआ है। तो ये घर अंदर से कैसे हैं, आइए देखते हैं। चलिए तो घर की डिटेल थोड़ा सा जानते हैं, लोकेशन वगैरह, घर कितने स्क्वायर फिट का है, प्राइस क्या है, और प्रभु दीक्षित जी हैं जो डिटेल में आपको बताएंगे। जी बताइए। ये शिल्पी जी, जो घर हमारा है, ये कौशलपुरी कॉलोनी है खरगापुर, जहाँ पे लोकेटेड है। CMS विस्तार से आपका 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सामने आप देखेंगे जो रोड आ रही है, ये खरगापुर की गीतापुरी चौराहे वाली रोड है। पूरा नगर निगम के अंतर्गत ये एरिया है। पूरी रोड जो है 30 फीट की रोड आपको मिलेगी। एक प्लॉट छोड़ के नगर निगम का पार्क बना हुआ है। अच्छा, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये पूरा पार्क है। गैस की लाइन वगैरह सारी पड़ी हुई है, इधर देखिए गैस की लाइन वगैरह सब पड़ी हुई है। पूरी नगर निगम से ऑपरेशनल जगह है, साइट है ये। और यहाँ पे 2 मकान हमने बनाए थे, जिसका प्लॉट एरिया 1200 था, कंस्ट्रक्शन एरिया 1900 स्क्वायर फीट है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK, फर्स्ट फ्लोर पे 1 BHK, 1 बेडरूम हॉल किचन का पूरा सेट आपको मिलेगा। चलिए तो अंदर से घर देखते हैं। 1200 स्क्वायर फीट, हाँ, प्लॉट एरिया जो इसका है 1200 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया 1900 स्क्वायर फीट है। आइए तो जैसे ही आप एंट्री करते हो, फ्रंट रोड आपको 30 फीट की मिलती है। 2 घर छोड़ के उस तरफ पार्क भी मिल जाता है, क्योंकि नगर निगम का एरिया है, तो पार्क वगैरह, चौड़ी रोड, गैस पाइपलाइन, ये सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे है। ये 9.5x21 का पोर्च आपको मिल रहा है, जिसमें फॉर्चुनर, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां बड़े आराम से पार्क हो जाएंगी। ये आपको 6 फीट की जगह मिल रही है, 6x8 की, जिसमें जो है स्कूटी वगैरह रखना हो या प्लांटेशन वगैरह करना हो तो उसके लिए जो है, मतलब अच्छी स्पेस। हाँ। एक छोटी सी गली होती तो बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती आपकी, स्कूटी, प्लांट्स या जो भी आप रखना चाहो। हाँ। तो अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल रही है। प्लस इसके साथ में हमने डायरेक्ट लाइन वगैरह भी जो है, प्लम्बिंग की जो लाइन है, वो डायरेक्ट एक टंकी से और एक जो है बोरिंग से डायरेक्ट लाइन जो है इसमें हर जगह पे मशीन भी रख सकते हैं, क्योंकि कवर्ड है, पानी भी नहीं आएगा। और ये सब वुडन फिनिशिंग की, यहाँ पे देखिए टाइल्स लगा के आपको मिल रही है, पैनल है, हाँ पैनलिंग है, PVC पैनल आपको वुडन फिनिशिंग का लगा के मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे इन्वर्टर की स्टोरेज एरिया दिख जाएगा, यहाँ पे आप इन्वर्टर वगैरह रख सकते हैं पूरा। चलिए घर के अंदर चलते हैं, उससे पहले देख सकते हो इस तरफ एंट्री है, ये एंट्री, आइए। ये आपका ड्राइंग रूम एरिया है, जो कि 9.5x15 का एरिया है। आप देखेंगे पूरी फुली वेंटिलेटेड है, लाइट वगैरह का बहुत अच्छा एक्सेस यहाँ पे है, इतनी बड़ी विंडो वगैरह दिया हुआ है, ऊपर पूरा फॉल सीलिंग का काम है, पूरे ग्राउंड फ्लोर में, पूरे मकान में फॉल सीलिंग का काम है। मतलब फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में ही मिल रही है, लाइट्स आप देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर पे, जितना भी बना हुआ है कंस्ट्रक्शन है, पूरे में आपको फॉल सीलिंग मिल रही है। ये डाइनिंग कम किचन है, 13.5x16 इसका एरिया है, इस एरिया का जो साइज ये है, पूरा यहाँ तक, हाँ ये पूरा 13.5x इस कॉलम से 13.5x16 का ये हॉल आपको मिल रहा है, जिसके साथ ओपन किचन मॉड्यूलर बना हुआ है। देखिए हॉल काफी स्पेशियस सा आपको मिल जाता है, मतलब डाइनिंग आप छोटी मोटी गैदरिंग वगैरह करना चाहें तो अपने ही घर में कर सकते हैं, 20-25 लोगों की, इतना आपको स्पेस मिल जाता है। प्लस आपकी डाइनिंग टेबल जहां आप बीच में प्लेस कर सकते हैं, जैसे चाहे प्लेस कर सकते हैं, चाहे तो एक पार्टीशन भी यहां पे रख सकते हैं, क्रॉकरी कुछ भी ऐसा पार्टीशन लगा के। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर देगा तो हम उसमें पार्टीशन बनवा भी देंगे, वुडन जो पार्टीशन बनता है उसको हम बनवा भी देंगे, कोई इशू नहीं है। और इस तरफ आपको मॉड्यूलर किचन मिलती है, मॉड्यूलर किचन इस तरफ किचन में जाल लगा के मिल जाता है, मॉस्किटो नेट पूरे घर में आपको मिलेंगे, मॉस्किटो नेट लगा के मॉड्यूलर किचन पूरा बना हुआ है, 9.5x5 का इसका साइज है। और किचन में वेंटिलेशन रहेगी, क्योंकि OTS इस तरफ है, OTS से यहाँ पे लगा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ जाली वाली लगे से आप इसे ओपन भी छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं है। और ये आपको यहाँ पे OTS मिलता है, हमने यहाँ पे डक्ट दे रखा है प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह के लिए, अगर कस्टमर चाहेंगे तो यहाँ पे वॉश बेसिन भी लगा देंगे, लेकिन वॉश बेसिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वॉशरूम आपका यहाँ पे लॉबी से लगा हुआ है, वॉशरूम यहाँ पे है, हॉल बढ़ा दिया है, किचन है,
वेंटिलेशन ऑलरेडी, क्योंकि किचन में विंडो है इस तरफ है, इस तरफ बड़ी सी खिड़की है, तो आपको वेंटिलेशन ऑलरेडी सब तरफ मिल रही है। प्लस ये आपका कॉमन वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम है, गेस्ट वॉशरूम, गेस्ट वॉशरूम, बाथरूम की फिटिंग्स वगैरह सारी लगी हुई है। 2x4 की टाइल्स है ये, दो बेडरूम है, ये फॉल सीलिंग का वर्क है। ये एक बेडरूम है जिससे अटैच आपका OTS है। चूंकि ये घर थोड़ा वास्तु का कंप्लाइंट है, 100% तो नहीं है लेकिन वास्तु कंप्लाइंट है, तो ये ईशान कोण है इसलिए यहाँ पे वॉशरूम नहीं दे सकते थे। अच्छा, इसलिए हमने यहाँ पे वॉकिन क्लोजेट दिया है, कस्टमर का जो है वार्डरोब वगैरह बनवा सकता है थोड़ा सा, मतलब कुछ करवा के आप अपनी वार्डरोब रखिए, स्टोरेज एरिया, पूजा रूम बना सकते हैं, स्टोरेज एरिया रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक OTS इससे रूम से लगा हुआ, OTS का साइज काफी अच्छा है। देखिए बड़ा सा आंगन है यहाँ पे, OTS आपको बड़ा सा मिल जाता है, वेंटिलेशन रहेगी। सेकंड बेड 9x6 का साइज है OTS का पूरा, 9x6। इसके बाद भी आप देखेंगे जब ये दरवाजा बंद भी रहेगा और लाइट वगैरह भी बंद कर देंगे तो काफी अच्छा लाइट का एक्सेस पूरे रूम में, क्योंकि वो आपने बीच में दिया है ना टफन लगा के, ग्लास लगा हुआ है। एंड डोर की हाइट, सीलिंग की हाइट आप देख सकते हो, 10 फीट की हाइट है इसकी मकान की। ये सेकंड बेडरूम है, मास्टर बेडरूम आपका है, ये मास्टर बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम, OTS इस तरफ भी, मतलब OTS दोनों रूम से एक्सेस, दोनों रूम से एक्सेस है। दोनों बेडरूम का साइज जो है वो 9x13 का साइज है, फॉल सीलिंग वगैरह का वर्क पूरा किया हुआ है, बेड साइड स्विचेस और ये सब जितना भी काम है पूरा कंप्लीट है, बाथरूम में फिटिंग्स वगैरह सारी लगी हुई है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। 3 फीट की जीने की चौड़ाई है जिसमें स्टेनलेस स्टील वगैरह का रेलिंग का पूरा काम है, जिंदल कंपनी की ये रेलिंग वगैरह पूरी लगी हुई है। आ गए हैं हम ऊपर, तो ये भी देखिए ऊपर भी जैसा इन्होंने बोला था, तो ऊपर भी ऑलमोस्ट पूरा वेंटिलेशन सब तरफ से है। जीने पे भी हमने जो है मॉस्किटो नेट और विंडो वगैरह लगा रखा है जिससे लाइट का और एयर का बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, जो कि घर में एक पॉजिटिविटी भी देता है आपको। तो ये आपको ऊपर एक रूम मिल जाता है इस तरफ, 9x15 का रूम का साइज है, और ये प्लस माइनस पीओपी, प्लस माइनस पीओपी के साथ है। कस्टमर अगर चाहेगा तो उनके अकॉर्डिंग जो पेंट वगैरह का जॉब होगा, क्योंकि अभी हमने बेसिक पेंट कराया है, जैसा कस्टमर बोलेंगे उसको हम पेंट करा देंगे। कलर होता है ना अलग अलग, बेसिक करा के रखा है, जैसा आप चाहोगे वैसा पेंट होके फिनिश होके पूरा मिलेगा घर आपको। एंड ये विंडो का साइज अगेन यहाँ पे उतना ही बड़ा है, और ये आपका इस तरफ जैसा कि ऑलमोस्ट किचन भी बन के तैयार है, सिंपल सी किचन बना दी है, फ्रिज के लिए इधर जगह, तो आप ऊपर भी यूज कर सकते हो, मतलब ऊपर आपको एक हॉल मिलेगा, एक इसके साथ अटैच वॉशरूम है। और कस्टमर अगर चाहे तो यहाँ पे अपना किचन वगैरह मॉड्यूलर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज देके भी बनवा सकता है। ये देखिए ये आपकी छत है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ऊपर भी कंप्लीट है। तो चलिए अब आपको यहाँ की सबसे अच्छी चीज दिखाती हूँ, बालकनी। मतलब किसी की दो फैमिली हो तो एक ऊपर रह सकती है, एक नीचे रह सकती है, या रेंट पे भी चढ़ाया जा सकता है। आप नीचे रह के रेंट पे भी चढ़ा सकते हैं ऊपर का, और ये ऊपर आप देख सकते हैं बालकनी का स्पेस देखिए, मतलब छोटी। ये 6x20 का एरिया है पूरा बालकनी का, जो मकान की पूरी चौड़ाई है उसको हमने लेके बनाया है। अगर कस्टमर अगर शाम को रिलैक्स करना चाहे, वेदर अगर अच्छा, कुछ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के साथ भी बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप प्लांट लगा सकते हैं। कॉलोनी पूरी फुली डेवलप्ड है, आप देख सकते हैं पूरे मकान वगैरह बने हुए हैं, डामर रोड है, गैस की लाइन वगैरह है, सब चीजें हैं। सामने आपको एक मकान छोड़ के पूरा पार्क मिलेगा। इसके साथ ही आप एक चीज और देखिए, पूरे मकान में 8 फीट के दरवाजे हैं, साथ में पैनलिंग वगैरह का पूरा काम हो रखा है चौकट का। और इस सबसे अच्छी चीज कि यहाँ पे आपको किसी ब्रोकर से नहीं लेना, नहीं डायरेक्टली आप डायरेक्टली लेना है, आप ही रजिस्ट्री करेंगे, हम ही रजिस्ट्री करेंगे और डायरेक्टली आपकी जो भी बात है, हमारे आपके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट आप हमसे मिलेंगे, हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमारा कोई ब्रोकरेज होती नहीं है, डायरेक्ट आप कॉल करेंगे, यही कॉल उठाएंगे और डायरेक्ट आप आके घर रह सकते हैं, कोई ब्रोकरेज नहीं है, कुछ नहीं है। आप आइए, कॉल कीजिए, घर पसंद आया जरूर लीजिए। एरिया वगैरह आपको बता दिया, नगर निगम का एरिया है गोमती नगर एक्सटेंशन में, जहाँ आज की डेट में घर की डिमांड बहुत ज्यादा है। रेट अब बता दीजिए क्या है इसमें, जो रेट मकान का हम लोग कोट कर रहे हैं वो 73 लाख रुपीज कर रहे हैं, और अभी चूंकि नवरात्रि चल रहा है तो अगर कभी कस्टमर वो इंटरेस्ट शो करते हैं तो उनको हम कुछ जो स्पेशल डिस्काउंट होगा वो जरूर डिस्काउंट जरूर लेंगे। शिल्पी वेब पे चैनल देख के आए, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज और है शिल्पी जी, अगर कोई लोग जैसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं और फ्रेश कंस्ट्रक्शन में चाहते हैं, फ्रेश तो ये भी है लेकिन वो कंस्ट्रक्शन अपने सामने देखना चाहते हैं कि मटेरियल कैसा यूज हुआ है, क्या चीज़ है, तो इस मकान की तो हमारे पास कंप्लीट वीडियोग्राफी है। और जो लोग अगर सामने से देखना चाहते हैं तो रोड के उस तरफ आगे कॉलोनी है इसी तरीके की सेम, उसमें हम फ्रेश कंस्ट्रक्शन अभी चालू कर रहे हैं जिसमें कस्टमर को जो है नवरात्र में कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, तो कस्टमर अपने अकॉर्डिंगली आके आप अपने अकॉर्डिंग आके देख सकते हैं, कुछ चेंज कराना चाहें चेंज कर सकते हैं, अपनी आंखों से भी देख के अपना घर बुक कर सकते हैं।
और इसके अलावा अगर कस्टमर चाहेंगे तो उनको फाइनेंस की 80% तक की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, प्रोवाइडेड ये है कि प्रोफाइल अच्छी हो। अगर है तो हम सेंट्रल नेशनलाइज बैंक से भी इसको फाइनेंस करा देंगे। अगर प्रोफाइल मान लीजिए थोड़ी सी वीक है या नई प्रोफाइल है तो हम प्राइवेट बैंक से उसको फाइनेंस करा देंगे। चलिए, तो लोन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 73 प्राइस बताया गया है जो कि यहाँ के हिसाब से, यहाँ का जो रेट चल रहा है अभी उसके हिसाब से ठीक है। बाकी आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। आप हमारे चैनल से जाएंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि किसी को घर लेना हो तो उसे भी फ़ायदा मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए।